इंडिया पे हमारे ओजी शार्क्स के साथ जुड़ने आ रही है एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की एमडी एंड सीईओ द लिमिटलेस राधिका गुप्ता। I'm someone who wants to hit it out of the park. Give everything of myself to every opportunity that comes my way and be the best version of myself every day. Meri upbringing bahut unique rahi hai kyunki mere papa diplomat the. सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और हम हर 3 साल कंट्रीज बदलते थे। आई थिंक जो भी हम हैं वो फैमिली के दिए हुए वैल्यूज के कारण ही हैं। पापा हमेशा कहते थे जब हम एक देश छोड़ते हैं कि वो पुराना दौर है, वो चला गया है, अब आगे देखो। तो आगे बढ़ने की एक वैल्यू। तो मैं जब 24 साल की थी, US में काम कर रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था और फिर मैंने बड़ा यूनिक डिसीजन लिया इंडिया आने का, एंटरप्रेन्योर बनने का। और 4-5 साल मुंबई में बहुत स्लॉग किया और वो कंपनी जो फोरफ्रंट कैपिटल है उसको बिल्ड किया। और मौका था इसलिए मैंने अपनी कंपनी एडलवाइस ग्रुप को बेच दी। लेकिन फॉर्चून ने एक एक्साइटिंग रोल प्ले किया मेरे लिए। हाय, मैं राधिका गुप्ता हूँ, MD एंड CEO ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड। Opportunities inspire me. India inspires me. The opportunity to build in this India inspires me. To make people's financial lives, which is what I'm doing today, that inspires me. So many things inspire me. See, risk is such an important function, Archita, that when we have a default thing, na, we finally say, "Chalo, risky meeting." 2017 में एक और मौका मिला, एक और startup को build करने का, जो Edelweiss Mutual Fund है, जो कि एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस में बिल्ड हुआ। We've closed our largest ever equity NFO at 1000 crores. We've covered Deepak 60 cities. We've traveled over the length and breadth of the country and I think this is just the beginning. So cheers to all of us. में मैंने स्टोरी टेलिंग क्लासेस की और उसके बाद मैंने एक टॉक की, उसका नाम था गर्ल विद अ ब्रोकन नेक, जो यूट्यूब पे रिलीज हुई। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हुआ। मैंने सीखा कि खामियां, चैलेंजेस, रिजेक्शंस, प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, लेकिन इनसे हम कम नहीं होते हैं, इनसे हम ह्यूमन होते हैं। मैं अगले 20 साल के हिंदुस्तान के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं खुद को और हम सबको बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि हम इस दौर के इंडिया में काम कर रहे हैं, कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप मेरे ऑप्टिमिज्म का सबसे बड़ा कारण पूछेंगे वो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारा जो कंपनीज बनाने का एक जो एनिमल इंस्टिंक्ट है हिंदुस्तानी में, वो देश को आगे ले जाएगा। आपका पहला शूट है? पहला शूट है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट शूट। सो यू एंड अमन हैव टू बी नाइस टू मी। विनीता नोज मी, सो शी विल बी नाइस टू मी, आई होप। शार्क्स, हेलो। एक बॉलीवुड फिल्म की तरह ही हर साल लाखों रेस्टोरेंट्स हीरो की तरह एंट्री मारते हैं, लेकिन इंटरवल के पहले ही विलन से हार जाते हैं। एक्सक्लूडिंग कोविड, पिछले 2 साल में ही 3 लाख रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। आखिर कौन है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बदमाश विलन? लो प्रॉफिट्स और हाई स्टाफ डिपेंडेंसी। पर इन्हीं विलन्स को हराने आ गया है एक नया सुपर हीरो, दिलखुश। नमस्ते शार्क, मैं हूं अर्पिता आदिति, दिल फूड्स की फाउंडर एंड सीईओ। दिल फूड्स एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ऑपरेटर है जो भारत के डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर से इंस्पायर होकर
फ्रेश फूड ब्रांड्स बनाता है और अपने लास्ट माइल कुकिंग और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देश के छोटे बड़े एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करता है। शार्क्स, इमेजिन कीजिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसकी हर दिन की कैपेसिटी है 100 गेस्ट की। अब उसके स्टाफ और रिसोर्सेस तो रेडी है 100 लोगों के लिए, लेकिन गेस्ट आते हैं सिर्फ 50। ऐसे में ये रेस्टोरेंट दिल फूड से जुड़कर हमारे 8 क्लाउड ब्रांड में से कोई भी ब्रांड अपने किचन से पैरेलली ऑपरेट कर सकता है, जिससे उसके रिसोर्सेज तो फुल्ली यूटिलाइज होते ही हैं, साथ ही उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है। मतलब सेम किचन, 0 additional investment, बट ब्लॉकबस्टर मुनाफा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप स्विगी या जोमैटो से हमारे किसी ब्रांड से ऑर्डर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्टैंडर्डाइज्ड, हाइजीनिक, रीजनल इंडियन फूड जिसका टेस्ट जैसे माँ के हाथ का खाना। हम पिछले 1.5 साल में ऑलरेडी 65+ रेस्टोरेंट से जुड़ चुके हैं, जहाँ से हम हमारे 111 आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं। हमने अभी तक हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए 6 करोड़ से ऊपर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करवा दी है। शार्क्स, हमारा सपना है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बिल्ड करना, जहाँ कोई भी रेस्टोरेंट लो रेवेन्यू या लो प्रॉफिट्स के कारण बंद ना हो। शार्क्स, हम तैयार हैं अपने सपने को साकार करने के लिए और आपको हमारे सपने से जोड़ने के लिए हम आपसे चाहते हैं 50 लाख फॉर 0.5% इक्विटी। शार्क्स, दिल को एक बार दिल देके तो देखो। अर्पिता, वेलकम टू शार्क टैंक। बनियों में ना कहते थे पहले, दिल जीतना हो तो पेट से जीतते, ऐसा कोई एक लाइन होती थी। दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो पेट पूजा कर ले। ओके, दिस इज सो गुड। मतलब मुझे तो स्मेल ही बड़ी इतना अच्छा आ रहा है। रितेश, आपको मिला है हमारी पेरी पेरी खिचड़ी, साथ में आपके ट्रे में है बनारसी चाट। भाई तो बहुत ही एक्साइटिंग है। अमन, आपके पास ट्रे है हाउस ऑफ आंध्रा ब्रांड का। राधिका, आपके ट्रे में है पहाड़गंज वाले छोले कुलचे। आप ऑल्सो ट्राई करेंगे हमारा टमाटर चाट। आई थिंक मेरे पास भी टमाटर चाट है। आपके पास भी टमाटर चाट है। कढ़ी चावल है। एंड पीयूष के पास है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। I've never had it before. You should try it. आपकी चाट बहुत ही अच्छी है। टमाटर की चाट इज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल बनारस के घाट वाली फीलिंग। आउटस्टैंडिंग। कढ़ी इज यमी। थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली रांची झारखंड से हूँ। और आपने क्या किया, एजुकेशन कहाँ करी है? मैं एक बायोटेक इंजीनियर हूँ MIT मणिपाल से। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने हिमालय ड्रग्स में काम किया, रिलायंस कैपिटल में काम किया। उसके बाद मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने स्विगी ज्वाइन किया। वो कौन से ईयर में था? 17 to 19, 2 साल मैंने काम किया बैंगलोर में। जी, तो मैंने उस समय एक कंपनी चालू करी, नट एंड बोल्ट, जिसमें हम एक एजेंसी की तरह उनका पूरा एंड टू एंड ऑनलाइन बिजनेस संभालते थे। हम कहते थे कि आपको डाइनिंग कस्टमर्स को सर्व करने आता है, आप वो करो, हम पूरा आपका ऑनलाइन बिजनेस संभालेंगे। बट हमें क्या रियलाइज हुआ कि जो टेल एंड रेस्टोरेंट्स हैं, अगर एक न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ऐड हो इनके PNL में जिस पर प्रॉफिटेबिलिटी उनको गारंटीड हो, तब पूरा इकोसिस्टम सेंस बनाएगा। तो हमने 2022 में अप्रैल में पिविट लिया दिल। तो बेसिकली आपने अपनी किचन नहीं खोली, किचन किसी और की यूज कर। करेक्ट। बट वो क्यों देंगे आपको अपनी किचन, वो अपने कस्टमर्स को भी सर्विस कर रहे हैं। 98% ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन इंडिया आर अंडरयूटिलाइज्ड। अंडरयूटिलाइज्ड का मतलब क्या, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? लेट्स से आपका 200 का पोटेंशियल है और आप अभी 50 ऑर्डर्स कर रहे हो, तो जो बैलेंस के 150 ऑर्डर्स हैं, उसके हिसाब से हम आपको ब्रांड्स असाइन करते हैं कि ये ज्योग्राफिक प्रेजेंस है। सपोज आप पवई में हो, मुंबई में, तो यहाँ पर ये डेमोग्राफी है, ये ब्रांड हमें खोलने हैं इस लोकेशन पर, तो हम वो आपको ब्रांड्स असाइन करेंगे। आप बेसिकली उसको फ्रेंचाइज बनाते हो इस ब्रांड का? It's a virtual franchise. Virtual franchise. और ये ब्रांड्स आपके ब्रांड्स हैं या कोई? ये ब्रांड्स owned by us हैं। ब्रांड्स एंड रेसिपी दोनों आप ही का ही? ब्रांड्स, रेसिपी, सप्लाई चेन, इवन फूड मटेरियल भी आप ही का ही? जी, तो रेस्टोरेंट का काम सिर्फ है हमारे रेसिपी के हिसाब से, हमारे सप्लाई मिक्सेस यूज करके, खाना रीजनरेट करके, हमारे पैकेजिंग में पैक करके डिस्पैच करना। क्वालिटी कौन संभालता है फूड की? क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। आपके लोग नहीं होते वहाँ पे? नहीं, हमारे लोग नहीं तो होते। आप डिपेंडेंट होते हो कि वो रेस्टोरेंट वाला अपने आप बना के भेज रहा है, टेस्ट की गारंटी नहीं है। आपने जो ये हाउस ऑफ आंध्रा की स्पेशल करी खाई, इसको बनाने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी लगा है।
हम फ्रीज ड्राइंग यूज करते हैं फॉर आर प्रोडक्ट्स, लायोफिलाइजेशन यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्ट को कुक करने के बाद उसको फ्रीज ड्राई करके पाउडर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। But then it is not fresh food. So ये एक मिथ है। आप जब एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो और उसने टमाटर प्याज सुबह से जो काट करके रखा है तो उसमें जिस प्रकार के माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, बट हम फ्रेश बना के उसको -18 डिग्री सी पर विद इन 15 मिनट्स उस टेम्परेचर पे लेकर के आते हैं और उसके बाद उसको फ्रीज ड्राई करते हैं, वो स्टोर करते हैं, तो वो एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उस प्रोडक्ट पर किसी भी तरीके का यू नो स्पॉइलेज की। तो इट्स फ्रेशर देन व्हाट यू गेट इन रेस्टोरेंट्स। कैन आई सी योर वीडियो? ये कैसे बनाना है शेफ? ये कैसे बनाना है ये एक्सप्लेन किया गया। ये बस पाउडर है जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। क्या बना रहे हैं? बटर पनीर बना रहे हैं। तो बटर भी इसी में है आपके पाउडर में? सब कुछ हमारे पाउडर में। तो पनीर भी आपने भेजा है? मैरिनेटेड पनीर हमारे साइड से हम भेजते हैं। तो आप डेली रिप्लेनिश करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स को? हर दो दिन में करते हैं। तो मैं दो दिन पुराना पनीर खा रहा हूँ अगर आपसे पनीर लेके खाऊंगा। दो दिन पुराना तो आप खा रहे हो? दो दिन हर जगह। हर जगह मतलब? तो पनीर की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 6 दिन की होती है। जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं होटल इंडस्ट्री होते हैं वो हर 3 दिन में उसको रिप्लेनिश कर रहे होते हैं। आई नो कि मैं एयरलाइन पे खा रही हूँ तो प्री पैकेज्ड फूड है, वो मुझे पता है जी। अब मुझे रेस्टोरेंट के बारे में ये पता चलेगा तो थोड़ा बुरा लग रहा है, दिल टूटता है। ये कोई स्पेशल प्रोसेस है, कोई और नहीं कर सकता, आपने खुद इंजीनियर किया है? ये फार्मा में बहुत यूज होती है ये प्रोसेस, फूड में इंडिया में बहुत लोग नहीं कर रहे। कहाँ पे आपका प्रोडक्शन है? बैंगलोर में। आप बना क्या रहे हो? क्लाउड ब्रांड्स विदाउट किचन? क्लाउड ब्रांड्स विद एब्सोल्युटली जीरो कैपेक्स और क्लोज टू जीरो कैपेक्स। वेरी कैपिटल एफिशिएंट क्लाउड ब्रांड्स। जब से आपने ये पिवट किया है तब से आप अपना रेवेन्यू और एबिटा बता सकते हैं? लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर था ऑपरेशंस पे, लास्ट ईयर हमने 7 करोड़ का रेवेन्यू करा। व्हाट? एंड लॉस? 1 करोड़ का लॉस था। और इस साल क्या है आपका स्टैट्स? अभी तक हमने 13.16 करोड़ कर लिया है। एक्सीलेंट। इन द लास्ट 7 months। फुल ईयर प्रोजेक्शन कितना है आपका? 30 crore। 7 months में प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट हाउ मच? अभी तक हमने 87 लाख का टोटल प्रॉफिट किया है। गुड वर्क, वेरी गुड। और फुल ईयर में क्या प्रोजेक्शन है आपका? 2.2 crores का प्रॉफिट करेंगे। सही है। 5% मान लेते हैं, मोटा मोटी 5% है बेटा। अर्पिता फंड रेज का बता दीजिए एक बार। हमने जब शुरुआत करी दिल फूड्स की ड्यूरिंग इंसेप्शन अप्रैल में हमने 1 crore रेज करा था एंजल से। उस समय हमने 7% इक्विटी डाइल्यूट किया था, 14 crore के वैल्यूएशन पर करा था। एंड उसके बाद उसी साल सितंबर में हमने एक और ब्रिज राउंड करा था, उस समय हमने 40 लाख रेस किया था, वो सीसीडी था। फिर इस साल फेब में 40 लाख अगेन 40 crore के वैल्यूएशन पर। उसके बाद हमने अभी 15.5 crore रेस किया है। 15.5 crore? जी, 75 crore के वैल्यूएशन पर। Then why do you want 50 lakhs from Shark Tank? हम शार्क टैंक में पैसे नहीं लेने आए हैं, हमें एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। एंड इस कंपनी को बनाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होगा, तरह तरह के क्राइसिस आएंगे। तो जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स सोच सकते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स हेल्प कर सकते हैं इन चैलेंजेस में। ओके, ग्रेट पिच अर्पिता, मैं आपको ऑफर देती हूँ। आप अपने कंज्यूमर which is both restaurants and customers को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। आपने जो insights बोली थी बहुत पावरफुल insights थी, साल कई साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। एंड यू नो हमारी इंडस्ट्री में भी कहावत है कि अगर गोल्ड रश होता है ना तो उसमें आपको शॉवल बनाना चाहिए बिकॉज सब लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे होते हैं। आपने जैसे एक सोचा कि रेस्टोरेंट खोलने की जगह मैं रेस्टोरेंट्स को कैसे एम्पावर करूँ एंड जिससे वो भी पैसे बनाए एंड कंज्यूमर को भी कुछ मिले, तो आई थिंक वेरी इंसाइटफुल थिंकिंग। तो मैं आपको, आपने जो आस्क किया था 50 lakhs 4.5% वो ही ऑफर करती हूँ। आई नो इट इज़ अ 25 crore हायर देन योर लास्ट राउंड, बट आई रियली वांट टू वर्क विद यू। थैंक यू, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू विनीता। जैसे आपने बोला रेस्टोरेंट पैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं पैसे? तो हर जो प्रोडक्ट होता है उस पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड होती है।
कढ़ी चावल विनीता ने खाया उसका कॉस्ट है 149 रुपीस जो हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं, उसको हमने लेट्स से 45 रुपीस दे दिया। अब उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बनता है 26 रुपए, उसके ऊपर उसको 40% का प्रॉफिट मिल गया। थोड़े आपके यूनिट इकोनॉमिक्स बता देंगे? सो हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 300 रुपीस का है। स्वीट स्पॉट है 300, आपने बहुत अच्छे से सोचा, बिकॉज़ डिलीवरी एप्स का भी 300 से 400 ही रहता है लगभग। सो उसमें जो हम रेस्टोरेंट पार्टनर्स को पे करते हैं, ऑल्दो वो फिक्स्ड अमाउंट होता है ऑन ईच एसक्यू, बट एज अ परसेंटेज इट इज अराउंड 31%, एंड उसके ऊपर हमारा पैकेजिंग कॉस्ट होता है 6% का, एंड हमारा ग्रॉस मार्जिन 63% है। उसके ऊपर हम स्विगी जोमैटो को कमीशन पे करते हैं, विच कम्स टू 22%। मार्केटिंग कॉस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म हमारा 10.5% है, 1% लॉजिस्टिक्स और दूसरे मिसलेनियस चार्जेस में जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे शेफ्स उनकी सैलरी 1% बनती है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 28.5% होता है। उसके ऊपर हमारे सैलरीज कॉस्ट है, रॉ मटेरियल आपने काटा नहीं? वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो एक हम अलग बिजनेस वर्टिकल की तरह देखते हैं उसको। अच्छा ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमारी जो सैलरी कॉस्ट है वो तकरीबन 12% के आसपास आते हैं, एंड जो फैक्ट्री यूटिलिटीज दूसरे कॉस्ट है वो 4.88% का आता है। तो लास्ट मंथ जो हमारा एबिटा था वो 11.65%। कमाल हो यार आप। And your handle over your numbers is outstanding. Thank you, Radhika. सुबह शाम दिन रात यही देखते हैं कि what is your 5-year vision? हम 7,500 crores की कंपनी बनाना चाहते हैं। You will do this all organically? या आपको लगता है inorganic route भी आप अपनाएंगे? We are open to all, Piyush. हम थोड़ा sustainably तो business बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा burn नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 3 साल के बाद वाले challenges के बारे में मुझे अभी नहीं पता है। You are a damn good businesswoman. Thank you so much, Radhika. Every 5 minutes of this conversation, आपने मेरा दिल incrementally जीता। Thank you so much. एक तो आपका business model, आपने शुरुआत profitability से की, आप एक profitable business चलाना चाहती हैं, आपको अपने numbers पे बहुत control है, capital light business चला रही है। I think you're a phenomenal businesswoman. Thank you. I won't top Vinita's offer. मैं आपको same offer दे सकती हूँ, if she's okay, I can also join the offer. सबसे पहले तो आपकी बिजनेस की गहराई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा मानना है आप जितनी गहराई में जाएंगे उस आपकी बिजनेस उतनी ऊंचाई में जाएगा। 50 लाख का ऑफर मैं भी आपको दूंगा सेम परसेंटेज पे, पर हम दोनों साथ में मिलकर के 1 करोड़ एनेबल कराएंगे 1% के लिए, जिसका मतलब आपको कैपिटल ज्यादा मिलता है और ज्यादा लोग साथ जुड़ते हैं। और अगर आप ऑफकोर्स चाहें तो राधिका जी भी जुड़ जाएं हमारे साथ में, तो हम लोग तीनों आपके आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है हमारे तरफ से, एक ऑफर है 1 करोड़ फॉर 1%, दूसरा है 1.5 करोड़ फॉर 1.5%। वैल्यूएशन में कोई बदलाव नहीं है, आपको कितना कैपिटल देना है वो आपका चॉइस है। जी, यू आर एन इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर, आप ऑनेस्ट हैं, राइट, आप डिटेल में बताते हैं, यू आर एबल टू आर्टिकुलेट, एंड बहुत काम आपका कंपोजर है, व्हिच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर। थैंक यू, विल डू वेरी वेल, सो आई विल जॉइन देम इन द ऑफर। I think everybody wants to own at least 0.5% of your business to make it worth their time. So yeah. 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh. Now you have 2 crore for 2%. Before Mr. Gupta speaks. Yeah. Aman, do you want to get in? Too many cooks spoil the broth. आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे शार्क्स जब आ जाएंगे, ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं? एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए एक बड़ी आर्मी लगती है। मैं अगर 5 साल के बाद से पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे चाहिए हर एक्सपर्टीज वाले लोग। सो अर्पिता, अगर 5 शार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ा चेंज होगा। कैन वी कम एट योर लास्ट राउंड 75 करोड़ वाले राउंड पे ही आएंगे। आई एम ओके विद दैट इफ अमन इज ऑन बोर्ड। अमन हैज नॉट सेड यस। आई एम आउट। मुझे लगता है मेरा टाइम अगर मेरे को देना है तो मैं किसी उस एंटरप्रेन्योर को दूं जिसको ज्यादा जरूरत है आपसे। Absolutely. So unfortunately, I am. Thank you. So now, thank you. 2 crore for 2.67%, Let's do it. Thank you. Best of luck. Thank you. You're amazing. Thank you.
हाय शार्क्स, इमेजिन आप किसी कॉफी शॉप में बैठे एंड मे बी आपके दोस्तों के साथ कुछ गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. सडनली आफ्टर अ फ्यू आवर्स वो सारे गैजेट्स के एड्स ऑनलाइन आपको हर जगह दिखने लगते. True, true. ये आजकल बहुत नॉर्मल है एंड आपके एक्शन के ऊपर कोई ना कोई नजर रख रहा है. ये ई कॉमर्स कंपनीज है या सोशल मीडिया जायंट्स है और ये सोलमेट से भी ज्यादा आपको जानते हैं, आपके हैबिट्स, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. और तो और हम लोग पूरा टाइम फोन पे रहते हैं, बीट बैंकिंग, ब्राउजिंग, एवरीथिंग हम लोग ऑनलाइन करते हैं. इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स. इंडिया में 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है एंड 1 out of 2 हैव एक्चुअली फॉलन विक्टिम टू साइबर फ्रॉड लास्ट ईयर. And according to RBI, there has been 100 crore per day loss to bank frauds. तो इसी चीज को हम फाइट करने के लिए, भारत को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एंड आपका डिजिटल वर्ल्ड सेफ करने के लिए हम लोग लेके आए हैं AI कवच. Hi, my name is Pratyusha and I'm the founder and CEO of AI कवच. So AI कवच एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, पेटेंटेड, मल्टीपल अवार्ड विनिंग सॉल्यूशन है जो कि फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स, फ्रॉडलेंट कॉल्स, फ्रॉडलेंट एप्स, फ्रॉडलेंट मैसेजेस एंड कोई भी ऐप जो बहुत सारा सेंसिटिव परमिशंस ले रहा है उन सब चीजों से आपको रियल टाइम ऑन द फोन अलर्ट करेगा. गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी एडिंग UPI फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड एक्सपैंडिंग टू बिजनेसेस एज वेल. हमको लॉन्च किए हुए 2 महीने हो चुके हैं एंड वी हैव अराउंड 20,000 डाउनलोड्स और 1,500 पेड सब्सक्राइबर्स हैं एंड हम लोग ऑलरेडी 200+ फेक एंड फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स एंड मैसेजेस को पकड़ चुके हैं एंड वी हैव गॉट ग्रेट रिव्यूज फॉर दैट. सो आपका हर डिजिटल इंट्रैक्शन, क्लिक एंड टच को हम सेफ बनाना चाहते हैं, यही हमारा विजन है. Our ask is 50 lakhs for 1.25% equity and abhi aapke paiso ko koi nahi karega touch because you have AI kavach. So Pratyusha, aapne itne sare bhartiyon ko cyber crime se bachane ka kab aur kaise socha? So I was ex product head at Microsoft for identity and security and last 20 years se hum log US mein rahe hain. My masters is in computer networks and majoring in computer security. उसके बाद मैंने सिस्को में काम किया है एंड उसके बाद पालो अल्टो नेटवर्क्स, ज़ीस्केलर, अकामाई एंड देन आई वाज इन माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल बिग कंपनीज, बिग चिप. या तो इन कंपनीज में आपको शेयर्स वेयर्स मिले थे अच्छे? या तो इनसे तो आप खुद मल्टी बिलियन डॉलर पर्सन हो सकते हो. मेबी नॉट बिलियन है बट आई एम अच्छा है सो दैट्स व्हाई इंडिया आ सकते थे. वी मूव टू इंडिया एंड ऑफ 2021 में मूव हुए थे. स्विंग खरीदना चाहती थी मैं ऑनलाइन एंड वो 2 महीने तक आए नहीं वो. So that's when I realized कि मेरे साथ fraud defrauded हो गई मैं. And there was a very beautiful website, right? Like कुछ भी गलत नहीं था वो website में. SSL certificate था, contact number information था, virus malware definitely नहीं था. Coming from a security background, that's a basic thing मैं check करती हूँ. कितने का झूला था? 5,000 rupees. बहुत महंगा था. मुझे लगा मतलब मेरे साथ अगर हो रहा है, I mean 18 years of security experience. तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी 5,000 रुपए की, आपको था कि मेरे साथ कैसे हुआ? मेरे साथ 18 साल से हूँ. Exactly, और मेरे साथ अगर हो रहा है, इमेजिन इंडिया जहाँ पे इतना सारा डिजिटलाइजेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हो रहा है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. जैसे अभी ज्यादातर फ्रॉड्स 24 to 40 ईयर ओल्ड्स के साथ हो रहे हैं एंड टेकीज के साथ भी हो रहा है. यहाँ पे भी देख लो ना, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ है. हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज को मैसेज आता है मेरे नाम से, हाँ हाँ पैसे दे दो, ये मुझे एप्पल का कार्ड भेज दो. मुझे आपने कुछ कहा था कि फोन हमारी बातें सुनता है, तो इज इट ट्रू दैट फोन इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग? 100%. ओके, हम लोग इंडिया जाना है, फ्लाइट्स खरीदना है, कर बात करते थे, सडनली सारे एड्स इंडिया जाओ यू नो लाइक निकल चलो जल्दी. एंड वो क्लिक करना बहुत टेम्पटिंग है क्योंकि मुझे जाना है, राइट? मैंने बात किया उसके बारे में. सो दैट इज व्हाट वो प्रे करते हैं उसके ऊपर. प्रत्युषा, आप थोड़ा बता सकती हैं कि आप क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिकली सॉल्व करना चाहती हैं और कैसे सॉल्व करना चाहती हैं? फ्रॉम द रिसर्च आई हैव डन, कॉल, मैसेज एंड वेबसाइट, this will cater to 70% of the fraud cases. तो ये सारे areas में I can detect the fraudulent cases. जैसे अभी call है, it's like true caller,
right? I will be able to detect agar koi spam number hai ki nahi. Correct. The second one, which is very critical one, is a website one. Kyunki wo link aap kahin se bhi land ho sakte. Instagram ad ho sakta hai, Google ad ho sakta hai, SMS link ho sakta hai, WhatsApp link ho sakta hai. Kahin se bhi aap link aapne click kar diya. To real time, main URL detect karti hun, in the running in the background, and then I run my artificial intelligence on it, and then I predict ki ye website fraudulent hai ki nahi. And if the fraudulent score falls between like above 80%, फिर मैं अलर्ट दिखाती हूँ। जैसे ट्रू कॉलर यूज करते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि स्पैम कॉल आ रही है। हाँ। आपके सॉफ्टवेयर से ये पता लग जाता है कि फ्रॉड वेबसाइट है या फ्रॉड SMS है। एंड कॉल भी ट्रू कॉलर जैसा, बट वी डोंट ट्रैक एनी डेटा। आई लव टू शो अ डेमो। प्लीज डेमो दिखाइए। सो गाइज, दिस इज हाउ द होम स्क्रीन लुक्स लाइक। बेसिकली इफ यू गो टू अ फ्रॉड वेबसाइट, राइट, तो मैं बस वेबसाइट में गई हूँ एंड ऑटोमेटिकली लेस देन अ सेकंड एक अलर्ट आ जाता है कि ये पोटेंशियली फ्रॉडुलेंट है। क्या फ्रॉडुलेंट है इस वेबसाइट में? सो वन इज, लुक एट ट्रेंडिंग साड़ी, राइट? ट्रेंडिंग, ओके, ट्रेंडिंग साड़ी, बट दैट यू कांट कॉल इट एज फ्रॉड। दैट्स व्हाई आई सेड 40 प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? जैसे उनके सोशल मीडिया लिंक्स है क्या, उनके फोन नंबर्स है क्या, एंड उनके रिटर्न पॉलिसी में क्या लिखा है। समझ गए, तो आपने इसे चेक किया फिर? और ये SMS अगर है, अच्छा SMS में भी आ जाता है सेम मैसेज? हां, SMS आल्सो, लाइक यू सी अर्जेंट जॉब ओपनिंग फॉर जॉब इंटरव्यू एक्सेट्रा, फ्रॉड भी रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव भी बहुत होता होगा ना, अभी आपने कह दिया फ्रॉडुलेंट है पर हो सकता ना हो। 96% का एक्यूरेसी है फिलहाल। आपने इसमें ऐसा क्या चीज टेस्ट किया जो कोई और नहीं टेस्ट कर पा? ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कॉपी कर पाऊंगा जो आप कर रहे हैं? हाँ, वही है पेटेंट। ग्रांटेड इन इंडिया, ग्रांटेड इन US, फाइल्ड इन इंडिया, राइट? फॉर योर एल्गोरिथम। फॉर माय एल्गोरिथम। वेबसाइट वाला जो पार्ट है, हाँ, उसमें तो इवेंचुअली सबसे बड़ा कंपेरेटर गूगल ही होगा, बिकॉज आपके yes. पास तो सिर्फ आपके कस्टमर्स का डेटा होगा, गूगल के पास करोड़ों लोगों का डेटा ग्लोबली है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में एक फीचर बना के रिलीज करना इजी नहीं है। 5 साल लग जाएंगे। That's true. मैं ऐसी चीज यूज ही नहीं करूंगा जब तक मेरे साथ कभी फ्रॉड ना हुआ हो। तो उसकी अडॉप्शन कर्व तो बहुत कम होती होगी एज अ कंज्यूमर। गुड क्वेश्चन। अगेन, वन इज द पोजीशनिंग ऑफ द ऐप, राइट? एक तो इट्स 99 रुपीस पर ईयर, ओके, सो प्राइसिंग इज प्रीटी डिसरप्टिव, एंड माय चैनल पार्टनर्स हैव टू बी जैसे जियो एयरटेल, बाय डिफॉल्ट उनके वैल्यू एड ऑन सर्विसेज बंडल्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं तो अडॉप्शन की प्रॉब्लम आएगी। तो आपका क्या विजन क्या है अभी? बी टू बी फॉर श्योर। बी टू बी मतलब आप किसको बेचोगे? All of you can buy the product. Jaise fraud protection market is right now in India $7 billion hai. I think corporate mein aapko better opportunity. Yeah. But like most financial companies, we spend a lot of money. Yes. Fraud detection. Aur agar aap early India mein ek hi do competition honge, to aapka wahan business ho sakta hai. Right, right. आपने फंडिंग रेज करी है अभी तक कोई? नो, मेरे एडवाइजर्स हैं, वन इज हेड ऑफ प्रोडक्ट इन गूगल एंड द अदर वन इज माय US का CEO। क्या इन्वेस्टमेंट दिया आपने, किस वैल्यूएशन पे? $10,000 फॉर 0.25% ऑफ द इक्विटी एंड बाकी का 0.25 हैज बीन एडवाइजरी। चलो प्रतिष्ठा, मैं आपको एक ऑफर देता हूं। पैसे तो मुझे लग रहा है आपके पास हमसे ज्यादा होंगे, बट मेरे पास आपसे ज्यादा इंडिया में धंधा करने की स्किल्स है। मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ, आपको कनेक्शन में हेल्प कर सकता हूँ। 50 lakhs में आपको दूंगा 4%। ओके, थैंक यू अमन। कैन आई हियर यू नो बाकी के ऑफर्स? इफ यू आस्क मी आई विल से नो, बट इफ यू वांट टू यू कैन। प्रत्युषा, मेरा इसमें थोड़ा नजरिया डिफरेंट है। फर्स्टली द फैक्ट कि आप इतनी चेक एक्सपर्टीज के साथ वापस आई हैं, एंड इंडिया यूज्ड टू बी अ कॉल सेंटर फॉर द वर्ल्ड, इंडिया इज नाउ going into much higher end technology products, ये भी उसमें एक example है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। Problem आपने सही identify की है, proof of concept आपका है। I think आपको customer figure out करना है, ये B2B होगा, ये B2C होगा। मेरे हिसाब से आप Shark Tank में, and it is okay, थोड़ा सा जल्दी आई हैं अपनी journey में, थोड़ा customer proposition figure out करके आए तो शायद better है, लेकिन शायद मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि आपके पास अमन से एक offer है। प्रत्युषा, आई थिंक जो आप बिल्ड कर रही हैं काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे से ज्यादा आपकी शायद अमन इसमें मदद कर पाएंगे। तो आज मैं इससे बाहर हूँ। मेरा मानना है आपकी क्लैरिटी में थोड़ा आपको समय लगेगा कि आपको B2B करना है या B2C। B2B में जब भी आप सोचें डिसाइड करने के लिए, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है अपना टैलेंट।
उसके साथ आप एंटरप्रेन्योर बने, आप अच्छा बिजनेस बना ही लीजिएगा, पर वो कौन सा बिजनेस है वो मुझे नहीं पता आज के दिन में, उस कारण से मैं आज आउट होऊंगा। पर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म में B2B बिजनेस में आप प्रोडक्ट्स बनाए तो आप प्लीज हमें रीच आउट करिएगा, हम आप कस्टमर जरूर बनने की कोशिश करेंगे। Awesome, thank you. I think you don't have to choose between B2B and B2C. Correct. Because I think आप जो AI model बना रहे हैं, it constantly needs to learn. Correct. तो भले ही हमको 100 रुपए ना मिले, पर जितना कंज्यूमर बेस आपका ऐप यूज करेगा फ्री में, हमें उसको इतना वैल्यूएबल बनाना है कि हमारे पास वो डेटा तो आए। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पर्पस कि इंडिया में चाहता हूँ कि इंडिया से ऐसी इंजीनियरिंग कंपनीज बने। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वहां पे आपकी सबसे ज्यादा मदद करना चाहूंगा, बिकॉज मैं काफी बार गिर के, यू नो, आई रन एन आईवेयर कंपनी, एंड टू फॉर मी टू कम्पीट हायरिंग इंजीनियर्स फ्रॉम अ गूगल एंड अ माइक्रोसॉफ्ट वॉज नेवर इजी। अब 500 लोगों की इंजीनियरिंग टीम बना ली है हमने, वही मेरा वैल्यू एड, बाकी कनेक्शन वगैरह बहुत ईजी है। माई ऑफर टू यू वुड बी 50 लाख फॉर 1.25% जो आपने मांगा, राइट? The only ask I have is ki just like your other advisors, I should be treated at par with them. So if you are giving them some advisory stick, I should also be treated, and you can judge that. So that's my offer. मैं आपको अपनी भी पिच मार देता हूँ, क्योंकि मैंने पिच नहीं मारी थी। और मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद देखो कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी जाती है और इसके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी जाएगी। हम टेक्नोलॉजी की बातें नहीं करते क्योंकि हम भी टेक्नोलॉजी करते हैं और उसको हमें बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? हमारे पास भी 250 लोग हो गए हैं आप ऑन R&D, बट मैं ना फेंकता नहीं हूँ ज्यादा। एयरटेल हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, जियो के साथ हमारी एक वॉच आ रही है, और अमेजोन फ्लिपकार्ट मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो आप कह रहे हो ना इंजीनियरिंग टैलेंट, मुझे तो लगता है ये आपके टैलेंट को चोरी ना कर लें, क्योंकि इनको भी चाहिए वही वाला टैलेंट। आप अपने बिजनेस के, अपने धंधे के मजबूत खिलाड़ी हो, और मैं इंडिया में बिजनेस बनाने का मजबूत खिलाड़ी हूँ। आपको वैसे ही इतने एडवाइजर्स हैं, एक और एडवाइजर तो नहीं चाहिए आपको। आप सोचो आपको क्या चाहिए। एंड सिंस अनफॉर्चुनेटली द ऑफर इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, आई मैच द ऑफर, दैट इज व्हाट यू वांटेड। तो चलिए आप डिसाइड करिए प्रत्युषा, आई थिंक यू हैव गो टू गुड ऑफर्स। ओके, थैंक यू। गेटिंग फंडेड, टू गाइस फाइटिंग ओवर अ वुमन। सो थैंक यू अगेन, यू नो, टू बोथ ऑफ यू। मुझे आप दोनों चाहिए, एंड यू नो मेरा ऑफर है पीयूष 50 लाख 1.25% में एंड 1.25% एडवाइजरी इक्विटी, एंड अमन 50 लाख 1.25% इन्वेस्टमेंट प्लस 1.25% इक्विटी। आप 1.25 प्लस 1.25, यार हमें बात करने दो ना। तो आई एम ओके विद दिस व्हाट यू आर सेइंग, एज लॉन्ग एज मेरे को अपना पूरा इक्विटी मिल रहा है। आप पर 5% टोटल दे रही हैं फॉर 1 करोड़ अपनी कंपनी का। आई नीड देम बिकॉज इन इंडिया मुझे एक्सपैंड करना है, मेरे नेटवर्क्स नहीं है, और द एक्सपीरियंस एंड कंपनी बिल्डिंग्स इन्हें जो दिया है, इट इज इनवैल्यूएबल फॉर मी। ओके, आई एम इन। अमन, आई विल डू इट फॉर यू। थैंक यू गाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Super incredible work, Pratyusha. Best of luck. Thanks a lot. I will be in touch with all of you for the B2B. All right? Okay. Thank you then. Yeah. Bye. Oh, Bartisans! Bartisans aa gaya. Hi Sharks, मैं हूँ जॉर्डन और मुझे लाउड पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। Hi Sharks, मैं हूँ जोविता
और मैं अपने बेटे जॉर्डन जैसे बिल्कुल नहीं हूँ. आई लव पार्टीज. वीकेंड्स को मुझे अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ चिल करना पसंद है. अच्छी ड्रिंक्स और अच्छी कंपनी इज माई परफेक्ट प्लान. और मेरा परफेक्ट वीकेंड वो है जब जॉर्डन और कार्ल घर पे नहीं हो. आई होस्ट अ हाउस पार्टी. मेरे गर्लफ्रेंड्स हैं, हमारे हाथ में अच्छे कॉकटेल्स हैं एंड वी आर जस्ट डांसिंग द नाइट अवे. इन दोनों इवनिंग्स में कॉमन क्या है? फैबुलस ड्रिंक्स. लेकिन घर पे ऐसी फैंसी ड्रिंक्स बनाने की मेहनत कैसे करें? और एज अ होस्ट मैं अपने टीटोटलर फ्रेंड्स को जस्ट जूस नहीं देना चाहती. व्हाई कांट दे हैव अ ग्रेट ड्रिंक? इसलिए हम लेके आए हैं बार्डसन्स, एक 100% नेचुरल रेडी टू पोर कॉकटेल मिक्सर ब्रांड फॉर एवरी ओकेजन. हमारा हर एक फ्लेवर हमारी एक स्टोरी से जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आर रेड एंड रन, जिसमें जामुन जीरा और हिमालयन पिंक सॉल्ट है, वो मुझे मेरे बचपन की यादें दिलाता है जब मैं मेरे नेबर के घर से जामुन चुरा के भागा करती थी. वो जो थ्रिल था, उस थ्रिल को हमने इस बॉटल में पैक कर दिया है. एक बार्टिसन्स ड्रिंक बनाना उतना ही आसान है जितना रम एंड कोक मिक्स करना. हमने बार्टिसन्स हमारे घर के किचन से शुरू किया था. आज हमारे पास हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं. हम चाहते हैं कि आपके हर खुशी के मोमेंट में बार्टिसन्स एक हिस्सा हो. तो शार्क्स, आज हम मांग रहे हैं 1 crore rupees फॉर 2.5% इक्विटी. सो बातें कम, लेट्स बार्टिसन्स. नाइस. प्रूफ लगेगा पर? ऑफ कोर्स. नहीं उसका नहीं, कि आप इनकी मॉम है उसका. दिस आई कांट बिलीव इट, सीरियसली. एंड यू गाइस आर को-फाउंडर्स. यस. नाइस. वेरी रेयर टू सी अ मदर सन ड्यूओ एज फाउंडर्स. सो सुपर क्यूट टू सी. बट शार्क टैंक में बहुत दिख रहा है एक्चुअली, स्पेशली जहां मॉम स्टार्ट कर रही है एंड देन सन इज जॉइनिंग, वो भी बहुत दिख रहा है. बट यहां पर बेटे ने शुरू किया एंड आई जस्ट जंप्ड ऑन द बैंडवैगन. प्राउड मम्मी. लवली. सो इसका क्या स्टोरी है? बेटे ने स्टार्ट किया, यू जंप्ड ऑन द बैंडवैगन, व्हाट वाज दैट? मैं दुबई में था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैं हॉस्पिटैलिटी कर रहा था डिग्री. और कोविड के वक्त मैं वापस आया बीच में, क्योंकि उन लोग ने वापस भेज दिया तो आना ही पड़ा. सोचे कि अभी क्या करें, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जॉब्स कम थे. तो हम लोग घर पे ड्रिंक्स बना रहे थे मॉम एंड डैड के लिए. मम्मी और डैडी दोनों सीरियल एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं. तो मैं बोला ओके, लेट मी ट्राई एंड कैरी ऑन द ट्रेडिशन. और वहाँ से चालू हुआ सीरियल एंटरप्रेन्योर. इन्होंने बोला मेरे काफी सारे बिजनेसेस रहे हैं. आई स्टार्टेड ऑफ विद डिजाइनिंग वेडिंग इनविटेशंस एंड पोस्ट दैट हमने एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ब्रांड शुरू किया जो सुपरनैचुरल था. हम उसमें गिफ्ट आर्टिकल्स बनाते थे रिसाइकल्ड वुड एंड हैंडमेड पेपर से. उसका नाम सुपरनैचुरल था. सुपरनैचुरल. वेरी कूल नेम. एंड दिस वन आल्सो. या. सो दिस इज थैंक्स टू माय हस्बैंड कार्ल, ही कम्स अप विद दीस फैबुलस नेम्स. एंड उसके बाद जब हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे थे तब हमें पता चला कि लाइटिंग बहुत ही ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं. तो हमने एक लाइटिंग ब्रांड शुरू किया शेरी आइडियाज के नाम से. पर आई थिंक टू अर्ली था मार्केट के लिए, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. चाइनीज लैम्प्स फ्लड कर रहे थे मार्केट को, तो वो डाउनहिल जा रहा था. एंड व्हेन कोविड हिट हमें हमारी दुकान भी बंद करनी पड़ी. तो जब जॉर्डन को ये आइडिया आया, आई सेड प्लीज कैन आई डू दिस विद यू. कब स्टार्ट किया था ये? 2020. ये ड्रिंक कर सकते? ऑफ कोर्स प्लीज. राधिका, वुड यू लाइक टू जस्ट कम एंड मेक अ कॉकटेल फॉर योरसेल्फ? वी थॉट ओहो, आई वुड लव टू. या. तो अब मैं क्या करूं? तो आप पहले ग्लास में 4 क्यूब आइस ऐड कर. You want to pour 3 caps. 1 cap of soda. Aur ek stirrer le ke. Bas ek mix kar lo. Very nice presentation. Try it. Thank you so much. This is your jamun jeera mocktail. Thank you. Thank you. To our mocktails. ये हमारा पैकेजिंग है, तो आपको ये एक लिस्ट. दिस इज वेरी गुड. थैंक यू सो मच. व्हिच वन इज दिस? दैट्स द स्मोक्ड पाइनएप्पल एंड बेसिल. गिरेगा तो नहीं? नहीं नहीं गिरेगा नहीं. वो मॉकटेल में जो मिठास, एक्स्ट्रा मिठास होती है ना, वो नहीं है. हाउ मेनी कैलोरीज आर इन वन ऑफ दीस? सो एट एन एवरेज फ्रॉम 39 टू 65. आई कैन टेस्ट द जिंजर. अगर आप हमारे वर्कशॉप पे आओगे तो आप देखोगे कि कोई बैठ के जूस निकाल रहा है. इसकी शेल्फ लाइफ क्या है? आपने कहा था एक साल. एक साल 12 months. Yes. It's pretty good.
आपकी जो ब्लैक मैट पैकेजिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वो टूटती भी नहीं थी शिपिंग विपिंग में। ब्लैक वाली जो बॉटल आप बोल रहे हो वो एक कॉन्सेंट्रेट वर्जन था जिसमें बहुत शुगर होता था बिकॉज द शुगर इटसेल्फ वाज द प्रिजर्वेटिव, तो इसी वजह से वी डिसाइडेड टू डू अ रेडी टू पोर। जोविता जी, क्या ये प्रोडक्ट आपके 495 की सारे होते हैं कि अलग अलग सेगमेंट्स के? हाँ, 450 का एक सेगमेंट है, 495 का एक सेगमेंट है और 595 का सेगमेंट है। How many cocktails can this make? This bottle? पर एक चीज बताओ, जैसे नॉर्मली अगर होता है तो लोग अपने आप थोड़ा सा वो नींबू ले आते हैं, थोड़ी एक वो आते हैं छोटे छोटे सैशे तो बस को थोड़ा थोड़ा डाल के बना लेते हैं, 150 रुपए का एक ग्लास बना के मैं तो मतलब मुश्किल होता है पिलाना लोगों को। Let me give you an example. आपको जिन 360 रुपीज में भी मिलती है, आपको जिन 3000 रुपीज में भी मिलती है, आप चुनते हो कि आपको कौन सी ड्रिंक पीनी है। I agree with you totally. पर आप बहुत प्रीमियम कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, वही हम बोलना चाह रहे हैं। Actually, I don't think super premium है, I think aspirational है, upper middle class है for now, but we also have a plan to go to a product that is more accessible. And what is the gross margin in the business? 70%. Logistics and payment gateway, etc. is at 20%. So we are right now in the process of reducing that. Ye 20% jo hai, wo sirf Bombay se pan India jata tha. Aaj hum Delhi, Bangalore aur Bombay mein hamare dark warehouses hain. हम अभी एक महीने में हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में भी खोल रहे हैं, ताकि ब्रेकेज भी होगा काफी। एक्चुअली नो, हमारा ब्रेकेज ये बॉक्स बहुत अच्छा है। या बिकॉज ऑफ आवर पैकेजिंग हमारा ब्रेकेज सिर्फ अराउंड 1% है। कॉकटेल मिक्सर्स का कितना बड़ा मार्केट है आपके हिसाब से? एनी आईडिया? नॉट मेरे हिसाब से, पर मनी कंट्रोल के हिसाब से 7,500 करोड़ बाय 2030। और आपका सेल्स सारा अपनी खुद की वेबसाइट से है? 88% हमारे वेबसाइट से है। वाओ, अब कितना बड़ा हो गया बिजनेस? पिछले महीने में हमने 35 लाख किए हैं, इस महीने में हम 45 लाख कर रहे हैं। नेट रेवेन्यू फॉर द ईयर 1.43 करोड़, प्रोजेक्टेड इज 4 करोड़। नेट रेवेन्यू होता है आपकी जो सेल्स है उसमें से जीएसटी, डिस्काउंट, रिटर्न्स एंड कमीशन हटाने के बाद जो सेल्स बचती है। कुछ फाउंडर्स शार्क टैंक में आके हम शार्क्स को जीएमवी बताते हैं, बट हमारा इंटरेस्ट रहता है नेट रेवेन्यू में। 4 करोड़ में प्रॉफिट और 1.43 करोड़ में प्रॉफिट बता दो आप। व्हाट इज द प्रॉफिट? सो 1.43 करोड़ में हमारा 53 लाख का लॉस है, -30% लॉस। फुल ईयर का कितना प्रोजेक्टेड है? हाँ, तो फुल ईयर में 80 लाख लॉस प्रोजेक्टेड है। हमें पता है कि हम दो चीजें कर सकते हैं राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम सब कुछ एज इज चला सकते हैं, एम फॉर अ स्लो ग्रोथ एंड वी डोंट डू लॉस। द अदर राउट दैट वी डू इज वी पुश ऑन मार्केटिंग, बट व्हाट वी इंटेंड टू डू कि हम हमारे चैनल्स बढ़ाएं। राइट नाउ वी आर D2C फोकस्ड, वी आर अ D2C ब्रांड, बट वी कैनॉट रिमेन दैट वे, वी नो दैट। We have to go high on retail. So the money that we are asking for today is ताके हम retail का product बना सके, हम retail जा सके। Retail is not cheap or easy. Yeah, it is. Breakage का भी cost आएगा वहाँ पे, हो सकता है। Yeah, थोड़ा सा। आप same size को तो अलग cost नहीं डाल सकते। तो आप 100 ml डालेंगी वहाँ पे। Correct. And about 1/4 the price. Yes. ऐसा aspiration. Yes. Yes. आपका branding बहुत super लगा मुझे। Solid branding. Good product. I personally feel it's a small business. मेरे को लगता है market थोड़ी छोटी है और थोड़ा super premium, premium की तरफ ज़्यादा की तरफ है, मासी कम है। तो इसका ना एक level के बाद TAM कम होता रहेगा थोड़ा सा। तो for that reason, unfortunately, I'll be out today. Thank you. मैं TAM के साथ जो अमन ने कहा agree करती हूँ। मुझे नहीं लगता इसका $1 billion का market है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं और शुगरी कॉकटेल्स हैं वो कम ही होता जाएगा एज वो प्रीमियम सेगमेंट हेल्थ कॉन्शियस होता जाएगा। मेरी ये भी सजेशन है कि आई थिंक आपको धीरे धीरे इसको एक बुटीक बिजनेस की तरह ग्रो करना चाहिए। आई डोंट थिंक ये फंडिंग के प्रेशर और मार्केटिंग के प्रेशर में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड ग्रेट ड्रिंक। या थैंक यू। मेरा मानना है कि जो आपका पहले का कॉन्सेंट्रेट का बिजनेस था, हाँ, वो होरेका इंडस्ट्री में बहुत चल सकता है। ऑफ कोर्स। अभी जो आपका ये B2C का सेगमेंट है, हाँ, ये अलग टाइप का सेगमेंट है, उसकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग बनने वाली है। करेक्ट। इस पे अगले 6 महीने में क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस आपके लिए एक्साइटिंग है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। करेक्ट। कैसे पता चलेगा? जो आपका प्रोजेक्शन है
अगर तो आपने मार्केटिंग कम करके प्रॉफिटेबिलिटी बना ली, तब तो जी आपका मतलब वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। अगर नहीं तो मेरा मानना है B2B बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा, पर मेरा होप होगा कि 6 महीने में एक बार आपका बिजनेस पूरी तरीके से तैयार हो जाए और आप क्लियर हो जाएं B2C या B2B, तो तब वापस बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रितेश, थैंक यू। सी आई थिंक यू हैव अ नाइस प्रोडक्ट फॉर श्योर। थैंक यू। आपको एक सॉलिड प्रोफेशनल लाना चाहिए बिजनेस में, जिसने FNB बिजनेस लाइक दिस को ग्रो किया, जिसको पता है कैसे रिटेलर से नेगोशिएट करना है, क्या टर्म्स पे लाना है, अदरवाइज यू कैन गेट इनटू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। गॉट इट। मैं अभी इससे बाहर हूं, बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो स्पेशलिटी है जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि आप छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से करती हो। मेरा मुझे वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात लगती है एक फाउंडर की, जैसे अगर किसी ने पैकेजिंग भेजी है तो उसको ये पूरी स्टोरी अंदर मिलेगी। इट इज नॉट जस्ट अ कॉरुगेटेड बॉक्स। थॉटफुलनेस इन ब्रांड मुझे लगता है वो पैसे से नहीं आती है, वो बस लव एंड पेशेंस एंड एफर्ट से आती है। एंड ऑफकोर्स आप एक फेल्ड एंटरप्रेनर है, मुझे लगता है फेल्ड एंटरप्रेनर में बहुत पावर होती है, ठीक है। तो मेरी ऑफर है 48 लाख 3%, जो 16 करोड़ की वैल्यूएशन होती है, एंड 52 लाख इन डेट फॉर 8% ओवर अ 3 ईयर पीरियड। And it is an absolutely non-negotiable offer. So you can take your time, think about it, and come back and let me know. You want to do debt at this point in time? Product तो इन्होंने बहुत ही amazing बनाया है। आपने use किया है इन्हें पहले? आप बता रहे थे। Product तो अच्छा है, मैं भी use करूँगा। Rita, thank you so much for the offer, but we'd like to say no, simply because हमें अभी debt नहीं लेना है। Your biggest job is don't let it shut down because you run out of money. For sure. So figure it out. Best of luck. And thank please get you. A best finance person to help yes. you. Yes. All thank the best. Thank you guys. Thank you. Keep winning. Thank you. Thank you.